25,000 यात्री अगर आते हैं तो उनका सामान रखने के लिए लॉकर, जूता, जूता, चप्पल, मोबाइल, पर्स, छोटे छोटे बैग, इसकी व्यवस्था देखिए यहां पर है। इसका नाम है पिलग्रिमेज फैसिलिटी सेंटर, PFC, पिलग्रिमेज फैसिलिटी सेंटर। यहीं पर एक छोटा सा चिकित्सालय बनाएंगे, यात्री आया दर्शन करने के लिए, उसे कुछ कठिनाई खड़ी हो गई तो यहां एक हॉस्पिटल रहेगा, थक गया आराम कर सकेगा, पंखे, पानी, चिकित्सालय, लॉकर, जूता यही जमा करेगा तब अंदर प्रवेश करेगा। यहां से निकलने के बाद जूते की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, नंगे पैर ही चलना होगा, गर्मियों में पैर नहीं जले इसका प्रोविजन करेंगे। कभी भविष्य में फायर ब्रिगेड को पानी चाहिए तो पानी लेने के लिए उनको कहीं दूर जाना नहीं पड़ेगा, ये सड़क है इसके नियरेस्ट, यहीं पर हमने उनको अंडरग्राउंड रिजर्वायर तैयार करके रखा है। पानी या तो जरूरत पड़ेगी सरियों से लेंगे, ट्रीट करेंगे, अदरवाइज जमीन से लेंगे, लेकिन जमीन का पानी जमीन में ही जाएगा। 70 एकड़ में अधिक से अधिक 30% कंस्ट्रक्शन है, अर्थात 20 एकड़ में कुछ ना कुछ निर्माण हो रहा है, 50 एकड़ भूमि में हरियाली है, घास है, पेड़ पौधे हैं, अत्यंत प्राचीन 100 साल पुराने वृक्ष है, ऐसे वृक्षों का घना जंगल भी है शायद जहां सूर्य की किरणें कभी धरती पर आती ही नहीं। ये प्रिजर्व किया गया है, इसलिए जमीन का जो ग्राउंड वाटर का लेवल है, इट विल नेवर गो डाउन, ये मेंटेन रहेगा, सारा वर्षा का जल धरती के अंदर जाएगा, कुछ भी पानी बाहर की नाली के माध्यम से सरयू में नहीं जाएगा, जीरो डिस्चार्ज। ये हमारी एक लगभग जनरल कॉन्सेप्ट है, जो वहां सारे काम हो रहे हैं। आप यहां कहीं खड़े होकर देख पाएंगे, इधर नहीं जा पाएंगे, आप यहां कहीं खड़े होकर देख पाएंगे। सौ प्रकार की मशीनें अंदर कम से कम काम कर रही होंगी,